आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट VHDL कोड फॉर पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का VHDL कोड किस तरह से लिख सकते हैं। पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज सपोज टू बी द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर वेयर द डेटा विल बी इंसर्टेड पैरेलली, दैट मीन्स एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड इट इज टेकन आउट पैरेलली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पैरेलल इन पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर। इसका स्कीमेटिक अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेटा जो है वो यहाँ से हम ले सकते हैं पैरेलली फॉर एवरी फ्लिप फ्लॉप D1, D, D एंड D, और जो आउटपुट है उसका QA, QB, QC और QD ये भी हम ले रहे हैं पैरेलल, यानी कि डेटा इनपुट जो हो रहा है वो पैरेलली हो रहा है और हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो भी हो रहा है पैरेलली, दैट मीन्स एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो ये हो जाएगा इसका सिंपल सा स्कीमेटिक। टर्मिनोलॉजी बहुत सिंपल सा है, जो भी इनपुट आप यहाँ पर देंगे इस बिट के अक्रॉस या फिर फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस वही आउटपुट आपका आ जाएगा QA, QB, QC और QD के अक्रॉस। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई राइट इट हियर एज 1010, तो D का फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 1 अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1, सेकेंड का अगर 0 कंसिडर करेंगे तो 0, नेक्स्ट का 1 है तो 1 और लास्ट का 0 है तो 0, यानी कि इनपुट था 1010, आउटपुट मिल रहा है 1010। So we can call it as parallel in parallel out shift register. अब इसका VHDL code हम लिखेंगे. Yes, we'll again start with defining the library tops. IEEE, we'll use it, and then we'll come across entity declaration, which I'm written as PIPO. That stands for parallel in parallel out is. इसका port हम declare करेंगे. सबसे पहले clock और clear को लिखेंगे. Input standard logic D. It is again an input standard logic, और जो output है वो हो जाएगा vector 3 down to 0 का. उसको एंड करेंगे। नाउ विल कम अक्रॉस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ मॉडलिंग हम कंसीडर करेंगे बिहेवियरल ऑफ पैरेलल इन पैरेलल आउट इज। अब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, सो आई रिटर्न द स्टेटमेंट एज बिगिन। ये हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आ जाएगा प्रोसेस करने का, तो हम प्रोसेस करेंगे क्लॉक से, सो आई रिटर्न प्रोसेस क्लॉक। अगेन उसको इनिशियलाइज करेंगे विद द स्टेटमेंट बिगिन, विल राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन इफ क्लॉक इज इक्वल्स टू 1 एंड क्लॉक टेक इवेंट इज, दैट मीन्स इफ देर इज a event occur on clock, that is it is changing from 0 to 1, then only we have to accept the input and we'll write the statement as q should be less than or equals to d, yani ke jitna bhi humne input liya tha wo seedha apply ho jayega output pe, so we'll get da db dc dd as qa qb qc and qd, so that's why I told you this is going to be the simplest type of shift register. Baad mein hum karenge end if, end process और एंड द आर्किटेक्चर। सो ये हो जाएगा VHDL कोड फॉर पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। कंडीशन एक सिंपल सा कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट इफ क्लॉक 1 एंड क्लॉक टिक इवेंट, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो जो भी इनपुट D के अक्रॉस हम दे रहे वही आउटपुट आ जाएगा Q, सो Q शुड बी लेस देन इक्वल्स टू D। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट।